Okay, so what's up everyone? And today I'm going to talk about something really, really special and something I wanted to talk about since a very, very long time. And ye recent baat nahi hai, is baare mein main soch vichar pichle kahin saalon se kar raha hun, in fact, and I got some very good clarity about it since a while actually. और मुझे लगा मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आज बना रहा हूँ. सो वीडियो का टॉपिक देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, और वो बात है फंक्शनल ट्रेनिंग. सो पिछले कुछ टाइम से ये वर्ड बहुत ज्यादा फ्लाई कर रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में, और मैं पिछले कुछ टाइम से मतलब पिछले कुछ 7-8 सालों से, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया था, जिमिंग वॉज ऑल अबाउट बिल्डिंग मसल, गेटिंग स्ट्रॉन्गर, गेटिंग फास्टर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. फिर उसके बाद में यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट जिमिंग, सबके सब बात करते हैं कि बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, ऑन स्टेज बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं. नाउ जब हम बॉडी बिल्डर्स की बात करते हैं तो हमें ये सीखना चाहिए कि बॉडी बिल्डर्स आर एथलीट्स हु आर परफॉर्मिंग इन देयर स्पोर्ट. एक बॉडी बिल्डर एथलीट है जो बॉडी बिल्डिंग को एज अ स्पोर्ट परस्यू कर रहा है, वो उसका स्पोर्ट है जिसमें ज्यादा परफॉर्म नहीं करना है, तो उन्हें स्टेज पे जाना है, पोजिंग करनी है एंड ऑल दैट. ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग है. अब हम उसे कंपेयर करने लगते हैं एक रनर से कि वो तो इतना दौड़ लेता है, क्या बॉडी बिल्डर इतना दौड़ पाता है? तो यार मतलब ये कैसा कंपैरिजन होगा? ये तो मतलब वही बात होगी कि आप एक रनर बॉडी बिल्डर भी बोल सकते हैं कि मैं इतना वेट उठा लेता हूँ, क्या रनर इतना वेट उठा लेता है? नाउ देयर्स अनदर क्वेश्चन दैट अराइजेस कि पर इतना वेट उठाने की लाइफ में कहाँ जरूरत पड़ती है, इतना वेट उठाने की कोई जरूरत होती ही नहीं है. एग्जैक्टली यही पॉइंट बॉडी बिल्डर भी लगा सकता है रनर के लिए कि भाई कहाँ जरूरत पड़ती है कि जब तुम्हें 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर एक बार में भागना पड़ेगा, कभी जरूरत पड़ती है? इट्स इम्प्रैक्टिकल. सो व्हाट आई मीन टू से इज जो फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पे ये जो ढकोसला चल रहा है इसे क्लियर करेंगे आज हम. सो व्हाट माय आर्ग्यूमेंट इज दैट बॉडी बिल्डिंग इज द मोस्ट फंक्शनल काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू कैन एवर डू इन द जिम, बिकॉज जब आप जिम में जाते हैं your whole and soul goal should be to build muscle. You build muscle, you get stronger, you build muscle. सारा का सारा ऐसे ही चलता जाता है. तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप मैं जिम जा रहा हूँ, you know, I don't want to build muscle when I'm going to the gym. I just want to be fit. What do you mean by fit? क्या मतलब है फिट का? फिट होने के क्या मतलब, ऐसी कौन सी स्टेज में हो आप कि आपको मसल बनाने की जरूरत ही नहीं, आपका फिजिक ऐसा है कि मतलब मसल की तो जरूरत ही नहीं भाई, मुझे सिर्फ फिट होना है. नाउ इफ आई आस्क यू टू डिफाइन फिट, व्हाट डू यू मीन बाय फिट? मुझे थोड़ा लीन होना है, बस थोड़े से मसल मेरे दिखे, ज्यादा मसल नहीं बनाने हैं. और ये वही इंसान होता है जो कह रहा हो, उसे ये लगता है कि उसका सिर्फ फैट है, अगर वो फैट लूज करेगा तो उसके मसल अपने आप ही बाहर आ जाएंगे. ऐसा नहीं होता भाई, मसल बनाने पड़ते हैं. फैट लॉस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिल्डिंग मसल. सो बिल्डिंग मसल तो जब हम नाम लेते हैं ना, औरतें छोड़ो आदमियों के सामने नाम लेते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सट्रीम एग्जांपल इमेजिन करने लगते हो बिल्डिंग मसल, बट आई डोंट वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर. भाई तो रनिंग भी मत कर, यू डोंट वांट टू बी अ मैराथन रनर, राइट? व्हाई आर यू टेकिंग इट टू एक्सट्रीम? मतलब ये एकदम फालतू की बात है. बाइसेप कर्ल मुझे नहीं करना है, क्योंकि है ना बाइसेप कर्ल तो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है और ये इतना फंक्शनल भी नहीं है. क्या होता है फंक्शनल का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल? ये फंक्शनल नहीं है. क्या है ये? एल्बो फ्लेक्सर्स, क्योंकि ये जो मूवमेंट है हम इसे एल्बो फ्लेक्शन कहते हैं. अब मैंने यहां पे लोड दे दिया, अब मैं अपना एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूं जो कि मेरे बाइसेप्स का, जो हम एल्बो फ्लेक्सर्स बाइसेप्स का फंक्शन है. सो ये बाइसेप कर्ल का फंक्शन है तो मैं कर रहा हूं, ये फंक्शनल नहीं है. कैसे फंक्शनल नहीं है यार ये? हाउ इज इट नॉट फंक्शनल? क्योंकि आइसोलेशन एक्सरसाइज है, फंक्शनल नहीं है. आइसोलेशन और कंपाउंड का तो अलग ही है मसला है, इसमें हम फिर कभी घुसेंगे. मतलब सारी आइसोलेशन एक्सरसाइज है ही नहीं भाई फंक्शनल. फंक्शनल का मतलब क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मतलब, और लोगों को और कंफ्यूज कर दिया. बाइसेप कर्ल इज नॉट फंक्शनल, लेग एक्सटेंशन इज नॉट फंक्शनल. इफ यू आर एन एथलीट, मैंने कुछ कोचेस को ये भी कहते हुए सुना है, एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम मेरा भी ये थॉट प्रोसेस बन गया था लिसनिंग टू ऑल द स्टूपिड पीपल ऑन यूट्यूब जो फंक्शनल ट्रेनिंग प्रमोट करते हैं कि भाई मतलब स्क्वाट, डेडलिफ्ट, लंजेस एंड ऑल ऑफ दीज एक्सरसाइजेस, लेग कर्ल्स, अगर आप किक बैक मार रहे हो तो मतलब आप तो लड़की हो. ठीक है, किक बैक्स ग्लूट्स के लिए जो होते हैं वो तो नहीं कर सकते आप.
ठीक है, लेग कर्ल्स, लेग एक्सटेंशन, सब ये सब बॉडी बिल्डर्स के लिए, मतलब एथलीट्स कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब क्या है, मेरे मेरे क्वाड्रिसेप का फंक्शन क्या है? नी एक्सटेंशन, टू एक्सटेंड माय नी। मेरे क्वाड्रिसेप का फंक्शन है मेरे नी को एक्सटेंड करना, ठीक है। अब ये फंक्शनल कैसे नहीं हुआ यार? और दूसरी चीज, आप ये बोलोगे कि यार मैं तो स्क्वाट में भी कर लेता हूँ। हाँ कर लेते हो स्क्वाट में तुम अपने ट्रेन, पर क्या स्क्वाट में तुम्हें लगता है सिर्फ क्वाड्रिसेप से ट्रेन होता है? अगर मेरे बाकी के सारे मसल बढ़िया है, ठीक ठाक है, लेकिन मेरा क्वाड वीक पॉइंट है, कैसे ट्रेन करूंगा मैं अपने क्वाड्रिसेप्स को? मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, आई वॉन्ट वेरी स्ट्रॉन्ग क्वाड्स, मेरे हैमस्ट्रिंग्स और मेरे ग्लूट्स, मेरे काफ्स बढ़िया हैं, पर मुझे अपने क्वाड को ट्रेन करना है। हाउ विल आई डू इट? आई विल हैव टू डू नी एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन जिसे आप कहते हो। और अगर चलो मेरे क्वाड एकदम बढ़िया भी है, तो भी वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रेन योर क्वाड्रिसेप्स इज डूइंग सीटेड लेग एक्सटेंशन, जो हम करते हैं, जिसको आप कह रहे हो इट इज नॉट फंक्शनल। लेट्स मेक इट इवन मोर क्रेजी, द ओनली वे टू ट्रेन योर क्वाड्रिसेप्स इन अ फुली एक्सटेंडेड पोजिशन इज लेग एक्सटेंशन। ऐसी कोई भी और एक्सरसाइज नहीं है जो फुली एक्सटेंडेड पोजिशन में लेग्स को, हमारे क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करती है। कौन सी एक्सरसाइज है? स्क्वाट में जब आपके नी फुली एक्सटेंडेड होते हैं, आपके क्वाड पे कोई खास लोड नहीं होता, आप बहुत देर तक खड़े हो सकते हो। जब आप मिड में होते हो, तब आपके नी फ्लेक्स पोजीशन में होते हैं, क्योंकि आप नीचे हो, 90 डिग्री एंगल बना है। लंजेस में सेम है, किसी भी तरह का लंजेस ले लो सेम है। देयर इज नो अदर एक्सरसाइज, देयर इज ओनली लेग एक्सटेंशन, जिसमें आपके नी जब पूरे सीधे होते हैं, तब आपके क्वाड्रिसेप पे लोड होता है। और उस पोजीशन में भी क्वाड्रिसेप को ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुटबॉल में या किसी भी फील्ड में बहुत बार हमें इंजरी फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, एकदम से नीचे चले जाता है, पता भी नहीं चलता है। और ये इस एक्सटेंडेड पोजीशन में ही हम ट्रेन करते हैं अपने क्वाड्रिसेप्स को व्हाइल डूइंग लेग एक्सटेंशन। जैसे लोग कहते हैं ये मशीन एक्सरसाइज है, यू नो दिस इज नॉट फंक्शन, आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज दिस इज अ मशीन एक्सरसाइज। ये कॉमन लोगों में अभी चल रही है बात, ऐसा कहते हैं लोग कि मुझे मशीन पे एक्सरसाइज नहीं करनी है। मतलब बॉडी बिल्डर्स को तो ऐसा, बॉडी बिल्डर्स बहुत फंक्शनल लोग होते हैं यार। अगर आप उन्हें अपनी स्टेज का जो शो होता है उसके पास लोगों को, तो वो इतने फंक्शनल नहीं होते हैं। या फिर आप मिस्टर ओलंपियास को देखोगे तो वो बहुत फंक्शनल नहीं होते, दो वो भी फुल स्प्लिट कर लेते हैं स्टेज पे, तो वो इतने फंक्शनल नहीं होते, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम पे कर रहे हैं चीजें। दे आर लाइक, उनके डिमांड ही स्पोर्ट का ऐसा है कि दे हैव बिल्ड देयर मसल लाइक रियली बिग, और इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है, हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होती है, और वो बहुत सारी चीजें और भी कर रहे हैं जो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट अनहेल्दी हो जाता है, ठीक है। बट बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ वर्कआउट इज वन ऑफ द सेफेस्ट वर्कआउट टू डू। मशीन्स आर वन ऑफ द सेफेस्ट एंड द मोस्ट फंक्शनल वे टू ट्रेन एनी इंडिविजुअल। जिसको बैक में प्रॉब्लम है, क्या करोगे अब उसके लेग्स को ट्रेन करने के लिए? स्क्वाट कराओगे उसको? किसी की एनाटॉमी ही नहीं है स्क्वाट करने की, अब क्या करोगे? चलो अलग अलग स्क्वाट करा लोगे अलग अलग टाइप के, लेकिन उससे वो भी नहीं हो रहा है ढंग से। लेग प्रेस नहीं कराओगे, हैक स्क्वाट नहीं कराओगे, लेग एक्सटेंशन नहीं कराओगे, लेग कर्ल नहीं कराओगे? नहीं, स्क्वाट डेडलिफ्ट करना जरूरी है सब। नाउ आई एम नॉट एंटी स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट, मैं खुद करता हूँ स्क्वाट और डेडलिफ्ट, बट इनको ये बेसिक मूवमेंट, द बिग थ्री बताना, तो फिर तुम भी बायस कर रहे हो पावर लिफ्टिंग को। मैं भी बोल दूंगा मुझे पावर लिफ्टर नहीं बनना है, मुझे नहीं करना है स्क्वाट डेडलिफ्ट, मुझे तो बस नॉर्मल फिटनेस मेंटेन करनी है अपनी। फिटनेस मेंटेन करने का क्या मतलब है? मेरे पास जिन चीजों की कमी है मुझे उनको बढ़ाना है, मेरे पास मसल मास की कमी है मुझे मसल मास बढ़ाना है। अब मसल मास बढ़ाना, बिल्डिंग मसल इज वन ऑफ द मोस्ट फंक्शनल थिंग वन कैन एवर डू, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम बुढ़े होते हैं सार्कोपेनिया हो रहा होता है ना, हमारे एज रिलेटेड मसल लॉस कहते हैं वो हो रहा होता है। अब एज रिलेटेड मसल लॉस की वजह से ही हमें होता है जॉइंट इश्यूज आते हैं, बोन इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से बैलेंस इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से वीकनेस आती है। अब उसका एक तरीका क्या है? व्हेन आई पुट माय बॉडी थ्रू लोड, जब मैं उस पर लोड डालता हूं, इट डजंट मैटर मैं फ्री वेट से डाल रहा हूं या मशीन से डाल रहा हूं, दो मशीन में मैं ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूं लोड को, सो आई वुड प्रेफर मशीन मोर। अगर मैं लोड डाल रहा हूं तो मेरी हड्डियों पर जोर पड़ रहा है, मेरे लिगामेंट्स और टेंडन्स पे कुछ हद तक जोर पड़ रहा है, मेरे मसल पे जोर पड़ रहा है। अब मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ तो मेरे मसल्स थोड़े से बड़े होंगे, थोड़े ज्यादा मजबूत होंगे। अगर मेरे जॉइंट, पर्टिकुलर जॉइंट के आसपास मेरे मसल्स मजबूत होंगे तो मेरा जॉइंट अपने आप ही मजबूत हो जाएगा ना। अनलेस अंटिल जॉइंट में ही कुछ टूटा हुआ है तो हमें जॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें मोस्ट प्रॉब्ली शायद सर्जरी करनी पड़े। लेकिन जॉइंट अगर वीक हो गया, तो द बेस्ट वे टू स्ट्रेंथन अ वीक जॉइंट is to strengthen muscle around that joint. उस
जॉइंट के आसपास जो मसल सराउंड कर रहे हैं, स्ट्रेंथन दैट, आपका जॉइंट अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा. अ बिगर मसल इज अ मोर फंक्शनल मसल. नाउ अगेन आई से आई डोंट मीन बिगर मसल से मेरा मतलब ये नहीं कि इतने बड़े कर लो मसल की मतलब रेंज ऑफ मोशन ही रिस्ट्रिक्ट हो गया आपका. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम्स. मैराथन रनिंग भी फिर बहुत हेल्दी नहीं है, उसमें आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो वो चाहते हैं अचीव करना कि इतना लो हो जाए, उसमें भी प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, उसमें भी नीज इश्यूज हो जाते हैं. मैराथन रनर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंजर्ड पीपल ऑन द प्लैनेट, ट्रस्ट मी. और उसके बाद पावर लिफ्टर्स हो गए, दे आर नॉट बॉडी बिल्डर्स. बॉडी बिल्डर्स ट्रेन इन द मोस्ट सेफेस्ट वे पॉसिबल. जो प्रॉब्लम होती है बॉडी बिल्डर को, दैट इज बिकॉज ऑफ पीईडीज, ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, इसलिए मरते हैं वो. बाकी द ट्रेनिंग स्टाइल ऑफ बॉडी बिल्डर्स इज फिनोमिनल, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रेन. अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये 45 साल का बंदा है, 50 साल का बंदा है, इसको कैसे ट्रेन करो, आई विल रेकमेंड दैट पर्सन टू ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर, बट डू कार्डियो एज वेल. जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, ये जो स्टूपिड लड़के होते हैं ना जिम में जो बल्किंग के नाम पे कार्डियो नहीं करते हैं, ये गधे होते हैं. बॉडी बिल्डिंग इज द मोस्ट होलसम एंड द मोस्ट वेरिड फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग यू कैन डू एंड द सेफेस्ट. और फंक्शनल ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं होता. एवरी देर इज नो ट्रेनिंग दैट इज नॉट फंक्शनल. हर चीज फंक्शनल है. ट्राइसेप एक्सटेंशन फंक्शनल है, बाइसेप कर्ल फंक्शनल है, लेग कर्ल फंक्शनल है, चेस्ट प्रेस फंक्शनल है. अब ये मैं अगर डंबल से कर रहा हूं, मशीन से कर रहा हूं, क्या फर्क है? एक स्टेबिलिटी की बकवास से बात करते हैं. स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? स्टेबिलिटी करने के लिए क्या होता है? अगर मेरा हाथ यहां से अनस्टेबल हो रहा है तो क्या करूंगा मैं? मेरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा. अगर यहां पे कुछ है जो हिल रहा है, ठीक है, दिस इज मूविंग, व्हाट विल आई डू टू मेक इट स्टेबल? टाइटन अप माय मसल्स. क्या हुआ? मेरे मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए यहां के, शोल्डर के, फोरआर्म्स के. अब मैंने इसको स्टेबल कर लिया. जब हम वेट उठाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम वेट उठाते हैं तो हम अपने मसल्स को टाइट ही तो कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए. पुश करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे आते हैं तो स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन हमें फर्म पोजीशन में रखना पड़ता है ना अपने आप को. सो दैट इज, वो भी कॉन्ट्रैक्शन ही तो हुआ. तो अगर हम वो कर रहे हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ दूंगा तो ये बंदा हिलने लग जाएगा एकदम से? यहाँ पे कुछ रखा है तो वो एकदम हिलने लग जाएगा? फिर वो तो एकदम स्किल स्पेसिफिक चीज ही हो गया. अगर तुमने बिल्कुल ही बोजू बोर्ड पे ही खड़ा कर दिया बंदे को, क्या बोले ये नहीं कर पा रहा है, तो वो भी रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है. कौन सी ऐसी सिचुएशन है रियल लाइफ में जहां तुम बोजू बोर्ड पे खड़े होकर बैलेंस करना होता है? वो तो बहुत स्पेसिफिक चीजें हो गई ना. अब तुम बोलोगे किसी एमएमए फाइटर को कि ये बुमराह की तरह बॉलिंग नहीं कर सकता तो ये फिट नहीं है, तो फिर तुम गधे हो. दोनों फिट है, दोनों फंक्शनल है. बॉडी बिल्डिंग टाइप एक्सरसाइज जो कर रहा है वो बंदा भी फंक्शनल है, उसके पास मसल मास ज्यादा है. शायद अगर तुम उसको किसी और डिसिप्लिन में डालोगे तो वो बेटर परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि ही हैज मोर पोटेंशियल मास टू प्रोड्यूस फोर्स. तो बॉडी बिल्डिंग इज एब्सोल्युटली फंक्शनल. अगेन आई एम सेइंग, मसल बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फंक्शनल थिंग वन कैन डू. क्लीन एंड जर्क फंक्शनल है. क्लीन एंड जर्क में क्या फंक्शनल है? नाउ आई डोंट हेट क्लीन एंड जर्क, आई डू क्लीन एंड जर्क बाय माई सेल्फ. मुझे पसंद भी ओलंपिक वेट लिफ्टर्स. बट ये कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी कि क्लीन एंड जर्क अपने आप में एक बहुत ही तगड़ा स्किल है. और क्लीन एंड जर्क करने वाले लोग खुद भी हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करते हैं भाई. इतना लोड अपने आप पे लगाने के लिए और उसको पकड़ के रखने के लिए मसल मास चाहिए होता है तुमको. वो यही कर करके मसल मास नहीं बनता है, अलग से मसल मास के लिए भी ट्रेनिंग होती है. दे डू ट्रेन फॉर हाइपरट्रॉफी. फुटबॉलर्स डू ट्रेन फॉर मसल बिल्डिंग. एवरी इंडिविजुअल, एवरी स्पोर्ट यू कैन थिंक ऑफ, इफ यू वॉन्ट टू प्ले दैट स्पोर्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू बिल्ड मसल. क्योंकि जब भी आप मसल बिल्ड करते हो, अगेन आप किसी में ज्यादा बिल्ड करनी है, किसी में कम बिल्ड करनी है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पोर्ट यू आर प्लेइंग. हर स्पोर्ट में मसल की अपनी बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उसको डिनाई नहीं कर सकते तुम. तो ये मत कहना कि जिम में जाके कि मुझे मसल नहीं बनाने, आई वॉन्ट टू बी फंक्शनल. मसल बिल्डिंग इज द मोस्ट फंक्शनल थिंग यू कैन डू. और जिम में आपका, जब जिम में जाते हो तो होल एंड सोल रीजन बेसिक लेवल पे ये होना चाहिए दैट आई वॉन्ट टू बिल्ड मसल, I want to put on muscle mass. Doesn't matter if my goal is to lose weight as well. Training तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे मुझे muscle mass put on करना है. Unless until आप बहुत ही ज्यादा मोटे हो कि मतलब आपकी health risk पे है कि भाई मतलब पहले तो weight lose करना है और बात की बाद में बाकी सारी चीजें देखी जाएगी. तो तब भी आप अगर cardio भी करोगे तो भी आपका weight इतना ज्यादा है कि आपके joints और muscle पे load पड़ेगा, उससे भी आपका muscle बनने लग जाएगा थोड़ा बहुत.
बट यू विल हैव टू पुट स्ट्रेस ऑन योर मसल्स, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो जॉइंट फ्रेंडली ही होनी चाहिए. योर फर्स्ट प्रायोरिटी व्हाइल चूजिंग एक्सरसाइज फॉर समवन इज नॉट स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बेंच, बिकॉज ये बेसिक एक्सरसाइज है, बिग थ्री. आपको केस बाय केस बेसिस पे असेस करना है एक बंदे को और उसके हिसाब से उसे एक्सरसाइज देनी. ये नहीं कि स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट तो बेसिक एक्सरसाइज, ये तो सबको आनी चाहिए तो ये तो मैं कराऊंगा इसको, ऐसा नहीं होता है. और ये क्लाइंट्स लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं. अगर आपको ट्रेनर कोई आके कहता है कि यू नो आई डोंट मेक पीपल ट्रेन ऑन मशीन्स, अगर अवेलेबिलिटी अलग है, वो आउटडोर ट्रेनिंग करा रहा है या उसका फोटो ही वो है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आप जिम में जा रहे हो किसी ट्रेनर से पर्सनल ट्रेनिंग लेने और वो कहता है कि यू नो मैं तो मशीन पे ज्यादा फोकस भी नहीं करवाता हूँ, आई मेक पीपल डू फ्री वेट ट्रेनिंग बिकॉज दैट इज मोर फंक्शनल, आई मेक देम डू मेटकॉन एंड आई मेक देम जंप अराउंड हियर एंड देयर, और मैं ये सब कराता हूँ बिकॉज इट्स मोर फंक्शनल. लिसन टू माई एडवाइस, टर्न अराउंड एंड रन अवे एज फास्ट एज पॉसिबल, भाग जाओ वहां से, निकल जाओ वहां से. वो ट्रेनर तुम्हें इंजरी दे के रहेगा. और जो तुम क्लाइंट लोग भी हो, जो तुम लोग हो, भाई अपने दिमाग से ये चीज निकालो. मसल बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. अल्टीमेटली जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ना आगे जाके, इफ इट्स नॉट अ मेंटल प्रॉब्लम और मे बी एनी अदर प्रॉब्लम, जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, दैट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट इज गोना बी दैट यू डोंट हैव इनफ मसल मास. एंड अगेन बाय मसल मास मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर बन जाओ, यू शुड बी हैविंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास. Everyone should have a decent amount of muscle mass. Life gets easier when you have good amount of muscle mass on you. यही कहना था यार मुझे. So I hope it helps and maybe I'll make another video. This kind of video because ये मेरी conversation पिछले कुछ time से चल रही थी कुछ लोगों से और I wanted this message to be out. So yeah.